वेलकम टू माई चैनल इस वीडियो में हम बात करेंगे मोटिव के बारे में बहुत ही मजे का कंसेप्ट है तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो इन लिटरेचर ऑफ मोटिव इज एक्चुअली रिकरिंग एलिमेंट थीम और सिंबल दैट होल सिग्निफिकेंस एंड कंट्रीब्यूट्स ओवरऑल मीनिंग ऑफ अ वर्क एक्चुअली मोटिव का क्या रोल होता है ये uh, कोई ऐसा वर्ड या कोई ऐसी कलर्स या कोई ऐसी फ्रेजेस या कोई ऐसे एक्शन या कोई बिहेवियर होता है मोटिव में लिटरेचर में किसी नॉवल में किसी पोइट्री में जो कि बेसिकली उस सारे थीम को जो है उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है किसी चीज़ की सिग्निफिकेंस होती है यानी कि वर्ड जो है मे बी कि डिफरेंट वे में यूज़ किया हो लेकिन उसके साथ जो थीम एसोसिएट किए जा रहे होते हैं या मेन मैसेज जो कन्वे किया जा रहा होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है राइट right? क्या आप देखेंगे अब हमारे पास एक एग्जांपल है यहाँ पे बर्ड्स बर्ड्स की एक एग्जाम्पल ले लेते हैं द मोटिव ऑफ वर्ड कैन सिंबलाइज फ्रीडम इज केप और स्पिरिचुअलिटी अगर आपने माया एंजलोस की फॉर्म पढ़ी हो आई नो वाई दीज सिंगी कि बर्ड्स जो हैं उनकी सिग्निफिकेंस है यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहे हैं जो कि किस चीज़ को डिनोट कर रहे हैं इसके साथ थीम ना एसोसिएट है जो फ्रीडम को एसोसिएट कर रहे हैं जो कि स्केप चाहते हैं जिनको स्पिरिचुअलिटी चाहिए यानी कि बर्ड्स के साथ आप डिफरेंट एलिमेंट्स डिफरेंट थीम्स डिफरेंट सिम्बल जो हैं वो एसोसिएट कर सकते हो राइट right? और केज्ड बर्ड जो है वो एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहा है कि समवन वन इज़ फाइटिंग फॉर द स्ट्रगल समवन वन इज यर्निंग फॉर लिब्रेशन एंड ऑपरेशन राइट कि किसी को चाहिए स्ट्रगल कर रहा है किसी केद से निकलना चाह रहा है इस वजह से बर्ड्स जो हैं वो सिंह कर रहे हैं तो ये सारी फ्रीडम जो है सारी चीजें एसोसिएट की गई सिर्फ एक बर्ड के साथ तो यहाँ पे बर्ड जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं इसके अलावा हमारे पास एक एग्जांपल है वाटर वाटर हम देखेंगे हर डिफरेंट लिटरेचर में डिफरेंट सिंबलाइज यूज़ होता है कहीं पे वाटर को नेगेटिव सिंबलाइज सिंबलिज्म में यूज़ किया जा रहा होगा किसी में पॉजिटिव में यूज़ किया जा रहा होगा सम टाइम वाटर का जो मोटिव होता है वो प्योरिफिकेशन रीप और ही चेंज होता है राइट जैसे हम एग्जाम्पल देखेंगे एफ स्कॉट फिडफेंस की uh, uh, जो एग्ज़ाम्पल है ग्रेट गैट्स पे उसमें उसने क्या किया रिकरेंट मोटिव जो बताया यानी कि वाटर जो था उसको रिप्रेजेंट किया गया ड्रीम्स के साथ या कंट्रास्टिंग रियलिटी बताई गई बेंड द सरफेस राइट कि ये जो है यहाँ पे भी वाटर का एक इंपॉर्टेंट रोल है वही चीज थी जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ वर्ड कुछ लव्स ऐसे होते हैं जिनको आप डिफरेंट वर्ड्स के सिंबल्स के साथ कनेक्ट कर रहे होते हैं या थीम के साथ ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था इससे रिगार्डिंग आपका कोई क्वेश्चन है कुछ भी शेयर करना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं अपने और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखे मिलते हैं नेक्स्ट